हेलो दोस्तों, तो देखिए ये परवल है। आज हम परवल की बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सी मज़ेदार कलौंजी बनाएंगे। तो चलिए देखिए बनाते हैं। ये परवल को हमने धुल लिया है। धुल कर अब बढ़िया से इसकी दोनों तरफ कट करेंगे और कट करने के बाद बीच से कट कर लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसका जो बिया है वो निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपको ये देखिए दोनों साइड को आपको कट करना है, ठीक है। कट करने के बाद इसी तरह बीच से चीरा लगा देना है, ठीक। ये देखिए दोनों को अलग कर देना है, ठीक। इसी तरह पूरे में हम इसी तरह कट लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने कट कर लिया। उसी के साथ हमने क्या किया है, ये देखिए ये आलू ले लिया था, 3 आलू, और इसके छोटे छोटे पीस कर लिया। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक। तो ये देखिए दोस्तों, ये परवल हो गया है। अब इसके साथ हमने क्या ले लिया है, ये कम से कम 7 से 8 कली लहसुन को भी काट लिया है, और ये हमने प्याज को भी 2 प्याज को बारीक कर लिया है, ठीक। अब चलिए फटाफट से फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए एक पैन चढ़ा दिया है। पैन में हमने ऑयल डाल दिया, ये हमने रिफाइंड ऑयल ही यूज किया है। अगर आप इसमें सरसों का तेल यूज करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रिफाइंड ऑयल अच्छे से हमारा हीट हो जाने देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये अच्छे से हमारा हीट हो गया है। अब क्या करेंगे, ये एक एक परवल उठाएंगे थोड़ा सा और इसको इसमें डाल देंगे, और डालकर हमको सिर्फ इसे अच्छे से फ्राई करना है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आपने फ्राई करके कभी नहीं बनाया है तो फ्राई करके बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगी। इसमें बिना कोई झंझट के आपको कलौंजी वाला फ्लेवर नजर आएगा, जैसे आप काट के भरने वाला झंझट होता है ना, कि कलौंजी काटना पड़ता है फिर भरना पड़ता है मसाले, तो वो सब झंझट से आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे करेले इसमें, ये सारे परवल इसमें हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या करेंगे, इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये रहा प्लेट, इससे हम ढक देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो देखिए दोस्तों, कुछ देर हो गया है, 2 से 3 मिनट, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, वो थोड़ा सा लीड आज हमने नहीं लगाया है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो आपके पास अगर लीड होगा तो आप उससे भी ढक के बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा और कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर से ढक देते हैं और 5 मिनट इसको और पकाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं हमारा परवल क्या स्टेज में है। तो ये देखिए, फाइनली हमारा परवल पक के तैयार हो गया है। देखिए हल्का सा सिकुड़ गया है ना, तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। देख रहे हैं ये हल्का हल्का गोल्डन हो चुका है। अब बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, इसको हम निकाल लेंगे। इसी में डाल देंगे आलू, ठीक। तो देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा थोड़ा करके निकाल लीजिए। ये देखिए ऐसे करके इसको निकाल लीजिए आराम से। ये देखिए दोस्तों, इसको भी निकाल लीजिए। चलिए सब निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमने इसको निकाल लिया है। ये देखिए, ये पूरा परवल हमने निकाल लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा तेल था इसी में हम ये आलू डाल देंगे, ठीक है। तो बड़ी आराम से डाल देंगे, इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसको भी बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं और इसको ढक देते हैं प्लेट से। ये लीजिए, 5 मिनट तक इंतज़ार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए देख लेते हैं क्या हाल है। ये देखिए, फाइनली हमारा ये भी हो गया है, प्लेट हटा दें। तो ये देखिए दोस्तों, आलू भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, देख रहे हैं, ये देखिए। अब चलिए फटाफट से इसको भी हम निकाल लेते हैं उसी तरह। तो ये देखिए, ज़्यादा में पकाना नहीं था, सिर्फ इसको हल्का सा फ्राई ही करना था, ठीक है। देखिए दोस्तों, फाइनली इसमें हमने आलू और परवल निकाल दिया है। अब ये देखिए, इसमें तेल भी हमने इसको पलट दिया था, ठीक, जो बचा था उसको हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है। जितना आपको यूज करना है आप उतना यूज करिएगा, फिर उसके बाद अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा गर्म हो गया अच्छे से, ठीक है। तेजपत्ता हमने डाल दिया। तेजपत्ता डालने के बाद हम इसमें जो लहसुन और ये प्याज था इसको डाल देंगे, और डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसको चला लीजिए अच्छे से और इसको बढ़िया सी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो जैसे कि इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। ये देखिए, थोड़ी सी हल्दी, 1 से 1.5 टीस्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे। फिर डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार,
ये देखिए नमक स्वाद अनुसार डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कलौंजी मसाला। तो ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा कलौंजी मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमने सब्जी थी इसको थोड़ा सा हल्का सा चला लेते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, ठीक है। अब इसको हल्का सा चला लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम ये जो हमारा फ्राई किया हुआ है ये परवल और आलू, इसको हम इसमें मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिला देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसी के साथ ही हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने डाल दिया है। अब डालने के बाद इसको हम चला देते हैं। ये देखिए अच्छे से चला लीजिए। देखिए दोस्तों ये हमारा खूब बढ़िया सा अच्छे से देखिए इसको चला दिया है। अब चलिए इसको हम प्लेट से ढक देते हैं। आप कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फाइनली सब्जी बनके तैयार हो गई है, देख सकते हैं। और ये देखिए, ये परवल तो पहले ही पक चुका था, थोड़ा सा हमको इसका मसाला टेस्ट करना था। तो देखिए ये देखिए हमारी लाजवाब सी परवल आलू की मसालेदार बढ़िया सी, क्या नाम देंगे, परवल फ्राई बनके तैयार है। आप खाना पसंद करेंगे तो जल्दी से फटाफट से खाइए और हमारे खाते खाते इस वीडियो को लाइक